लेट सपोज़ आपके पास एक इंबेड सिस्टम पे आपने एक प्रोजेक्ट रन किया हुआ है जिसमें आप ये चाहते हैं कि जब आपकी एक सेंसर से आउटपुट आए तब मैं एक ख़ास काम करूं लेट सपोज़ कि आपका एक सेंसर जो कि हीट को थर्मोस्टेट uh, लगा हुआ है जो कि आपने हीट को मेंटेन करना है उसके थ्रू और दूसरी तरफ आपके पास एक सेंसर लगा हुआ है जिससे आपने टेम्परेचर को मेजर करना है जब आपका टेंपरेचर खास लिमिट से नीचे जाता है तो आप थर्मोस्टेट को ऑन कर देते हैं थर्मोस्टेट के थ्रू करंट ऑन कर देते हैं और आपका करंट बढ़ जाता है ये सेंस करना कि टेम्परेचर कम हो गया और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने जो एक रूटीन uh, चलानी है कि अपना थर्मोस्टैट uh, को ऑन कर देना है ये

टाइप्स ऑफ इंटरप्ट दो तरह की होती हैं इंटरनल इंटरप्ट और एक्सटर्नल इंटरप्ट इंटरनल इंटरप्ट से मुराद वो है कि जो हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं करती यानी आपने कोई एक्सटर्नली सेंसर नहीं लगाया हुआ बल्कि इंटरनली कोई टाइमर कन्फिकर किया हुआ है कि जिसकी एक क्लॉक साइकिल के बाद एक क्लाक साइकिल कंप्लीशन के बाद आपकी इंटरप्ट जनरेट होती है और आपने खास काम करना होता है इसी तरह एक्सटर्नल इंटरप्ट जिनमें हार्डवेयर कंपोनट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं वो एक्सटर्नल इंटरअप्ट होती हैं जस्ट लाइक स्विच स्विच की इंटरफेसिंग करेंगे तो वो है वो एक एक्सटर्नल इंटरप्ट की एग्जांपल है या सेंसर जिसकी मैंने अभी बात की इंटरप्ट्स बिहाइंड द सीन अच्छा इंटरप्ट्स में होता क्या एक्चुअली जब आपकी एक इंटरप्ट एग्जीक्यूट होती है तो पॉपअप होती है तो उसमें होता क्या है एक्सटर्नल स्टिमुलस पॉप्स यानी अब मैं इंटरप्ट का नाम नहीं ले रहा बल्कि स्टिमुलस का नाम ले रहा स्टिमुलस को, को, कोई बाहर से आने वाली एंटिटी बाहर से आने वाला कोई सिग्नल जिसकी बेसिस पर आपने कुछ काम करना है इट इज़ फर्स्ट ऑथराइज्ड बाय एन वी आई सी वैक्टर कंट्रोलर जो कि बताता है कि आपके प्रोसेसर ने आया इसके कोरोस्पॉ रिएक्ट uh, करना है या नहीं करना ऑल द यूजुअल वर्क इज़ सस्पेंडेड बाय पुशिंग ऑल द रजिस्टर्स यूजिंग बीइंग यूज्ड इन द प्रोग्राम टू स्टैक Uh, ये लाइन इसका मतलब ये है कि आपकी जब एक वेक्टर इंटरप्ट कंट्रोल से एक in, एक इंटरप्ट आ जाती है आपके प्रो, प्रोसेसर में ऑथेंटिकेट हो के तो उसके बाद आपने ये करना होता है कि आपके प्रोग्राम में जितने भी रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं इंक्लूडिंग लिंक रजिस्टर पीसी प्रोग्राम काउंटर इन सब को आपने स्टैक में पॉइंट स्टैक में अपलोड कर देना होता है और इस तरह आप अपना जो करंट फ्लो है प्रोग्राम का उसको स्टैक uh, में प्रिजर्व करते हैं और चले जाते हैं इंटरप्ट uh, की एग्जीक्यूशन पर इंटरप्ट की जो सर्विस रूटीन है उसकी एग्जीक्यूशन पर और जब वहां से काम ख़त्म हो जाता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन का काम ख़त्म हो जाता है तो वापस वो स्टैक से चीज़ें पुश कर दी जाती हैं आपके नॉर्मल रजिस्टर्स में जिनसे वो पुश की गई थी और फिर आपका नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल चलने लग पड़ता नेक्स्ट अब फ्लैग देन सेट वन पॉप्स अप सॉरी अ फ्लैग दैट इज सेट व्हेन इंटरप्ट इंटरप्ट पॉप्स अप यानी हर एक इंटरप्ट जो भी आपकी इंटरप्ट एग्जीक्यूट होने लगी होगी यानी जब भी वो डिटेक्ट हुई है कि इंटरप्ट आ गई है तो उस वक्त आपकी एक बिट सेट हो जाती है हर इंटरप्ट के कॉरस्पॉन्डिंग तो आप क्या कहते हैं जब तक वो बिट सेट होती है नेक्स्ट इंटरप्ट नहीं आ सकती आपके कंट्रोलर में आपका प्रोसेसर कोई अगली इंटरप्ट uh, को उस uh, को रिसीव नहीं कर सकता तो आप क्या करते हैं कि जब आपकी इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट हो जाती है या होने लगती है जब आप इंटरप्ट सर्विस रूटीन में एंटर हो जाते हैं उस वक्त आप इस बिट को क्लियर कर देते हैं ताके आप अपने आ, प्रोसेसर को बता सकें कि मैं अब मजीद इंटरअस रिसीव करने की सिचुएशन में हूं डूज इन डोंट्स फॉर द आई एस आर फॉर आई एस आर फॉर आई एस आर रूटीन एंड आई एस आर इज इंटरप्टिंग नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम एंड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन रेस्ट ऑफ दाइंड अप अच्छा जब आप अपनी उस बिट को क्लियर करते हैं और आपकी इंटरअप सर्विस रूटीन अभी तक एग्जीक्यूट हो रही है उस दौरान आपकी जितनी मज़ीद इंटरअप्स आएंगी उस ही एक पिन के ऊपर उसी या उसी एक इंटरनल पैरफ्रिल के ऊपर वो सब लाइनअप होती जाएंगी लेट्स सपोज आपकी इंटरप्ट सर्विस रूटीन थी एक माइक्रो सकेंड की और हर सौ मिली सेकेंड के हर सौ पिको सेकेंड के बाद आपकी आ, सौ पिको कह लें सौ नैनो कह लें सौ नैनो सेकेंड्स के बाद आपकी ए, आ, आपका टाइमर एक नई नई इंटरप्ट जनरेट कर रहा है तो इस सूरत में ये होगा कि आपका आपकी वो सारी लाइन अप होती जाएंगी एक के बाद दूसरी एक के बाद दूसरी एक के बाद दूसरी तो जब आपकी ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन ख़त्म होगी तब नेक्स्ट इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट होगी तो चूंकि ये लाइन अप वाला सीन है इसमें तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि कीप द आई एस आर एज़ शॉर्ट एज़ पॉसिबल यानी आपका कम अज कम टाइम लगे आपकी आई एस को एग्जीक्यूट करने में इंटरअप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करने में देर मस्ट डी देर मस्ट बी नो डिले इन आई एस आर यानी अगर आप डिले यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि आप टाइम कंस्ट्रेंट का ख्याल नहीं रख रहे और आपका जो फंक्शन है वे नहीं होगा उसमें लैग आएगा कुछ कुछ लैग आएगा ड्यू टू डिले ऑफ इंटरअप्ट फिर आता है प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट व्हेन वी आर डीलिंग विद मल्टीपल वी नीड टू प्रायोरिटाइज़ द वी असाइन अ यूनिक प्रायोरिटी नंबर टू ईच इंटरप्ट अच्छा जब आपके पास मुख्तलिफ पेंस के ऊपर मुख्तलिफ पोर्ट्स या मुख्तलिफ इंटरनल पेरिफ्र्स के ऊपर इंटरप्ट लगी होती लेट्स सपोज एक वक्त में आपनेट टाइमर की भी इंटरप्ट लगाई हुई है बाहर से आप uh, किसी सेंसर की आउटपुट भी ले रहे हैं किसी एक जी पी आई के ऊपर तो इस सूरत में आपको सिस्टम को बताना पड़ता है कि कौन सी इंटरप्ट को आपने प्रियोरिटी देनी है तो ये देने के लिए ये प्रायोरिटी देने के लिए आपको एक ख़ास नंबर एसोसिएट करना पड़ता है हर इंटरप्ट के साथ इसको जिसको आप प्रायोरिटी कहते हैं इंटरप्ट प्रायोरिटी कहते हैं जितना ये नंबर छोटा होगा उतनी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी लेट्स सपोज़ आप आपकी आपका जो रीसेट का बटन है माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है और वो है माइनस टू या माइनस थ्री ऑल तमाम इंटरप्टस का जो आ, मतलब प्रायोरिटी uh, नंबर है वो जीरो से स्टार्ट होता है लेकिन रीसेट की माइनस टू या माइनस थ्री है इसका मतलब है कि कोई भी इंटरप्ट आ जाए उसके मुकाबले में रीसेट की प्रायोरिटी uh, सबसे ज़्यादा है ओके व्हेन एन इंटरप्ट विद हायर प्रायोरिटी पॉप्स लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट आर सस्पेंडेड जस्ट लाइक मेन फ्लो हाँ ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जब आपकी एक इंटरप्ट नॉर्मल इंटरप्ट जब आती है और आपका मेन प्रोग्राम जो है वो हॉल्ट कर दिया जाता है सारे रजिस्टर्स पुश कर दिए जाते हैं स्टैक में उस वक्त आपकी आई एस आर एग्जीक्यूट होती है अब क्या अब अब क्या होगा जब आपकी एक मजीद एक मजीद इंटरप्ट आ जाती है और उसकी प्रायोरिटी आपकी करंट आई एस आर की आई एस आर वाली प्रायोरिटी से ज़्यादा है लेट सपोज़ आपकी जो करंट एग्जीक्यूशन है उसमें प्रायोरिटी नंबर था आपका टू और अब जो आपकी नई इंटरप्ट पॉप हुई है पॉपअप हुई है उसका प्रायोरिटी नंबर है वन तो इस सूरत में आपकी जो प्रायोरिटी टू वाली इंटरप्ट सर्विस रूटीन है वो भी हॉल्ट हो जाएगी उस, उसके भी जो कंटेंट्स होंगे वो एक्चुअली पुश कर दिए जाएंगे स्टैक में और अब आपकी जो नई इंटरप्ट है पुश प्रायोरिटी नंबर वन वाली उसके सारे कंटेंट्स उसकी सारी इंटरप्ट सर्विस रूटीन एग्जीक्यूट की जाएगी इंटरप्ट सेंस हाँ अब आपका जो भी सेंसर होगा एक्सटर्नल ये 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 चीज़ खसूसी तौर पर एक्सटर्नल इंटरप्ट के लिए इंटरनल इंटरप्ट के लिए मैंने कभी यूज़ नहीं की इंटरप्ट सेंस आपकी आई एस आई एस रजिस्टर से डिटर्मिन होती है ये हम ने, नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट इसके पार्ट में देखेंगे लेकिन इंटरप्ट सेंस को आपने समझ का, समझना ज़रूरी है एक्चुअली आपका जब भी कोई सेंसर इंटरफेस होता है माइक्रो कंटोलर के साथ तो ये वोल्टेज लेवल्स की फॉर्म में आउटपुट देता है तो जब वोल्टेज लेवल चेंज होता है तो उसमें दो किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं एक वो जो कि लेवल सेंसिटिव होती है यानी आपका लेवल चेंज हुआ है जीरो से वन हुआ है या वन से जीरो हुआ है जब तक वन रहेगा या जब तक जीरो रहेगा तब इंटरप्ट चलती रहेगी और दूसरा ये है कि जब आपका एज आता है यानी आपका ज़ीरो से वन आउटपुट uh, जाने में एक पॉजिटिव एज बन रहा है और वन से ज़ीरो आने में नेगेटिव एज बन रहा है तो ये एजेस के कॉरस्पॉन्डिंग भी आप अपनी इंटरप्ट को कन्फिगर कर सकते हैं और लेवल्स के कॉरस्पॉन्डिंग भी आप अपनी इंटरप्ट को कन्फ़िगर कर सकते हैं सो लेवल सेंसिटिव इंटरप्ट की एग्ज़ाम्पल डल है यानी आप जब तक डोरबेल को दबाए रखते हैं तो बेल बजती रहती है जब छोड़ते हैं तो ऑफ हो जाती है वी वॉन्ट इट टू बी जस्ट एज ट्रिगर्ड लाइक लैचिंग ऑफ अ फ्लिपॉप हम ये हम ये जानते हैं कि जब एक फ्लिपलॉप जब एक फ्लिपशॉप में डेटा स्टोर करना होता है तो उसको एक क्लॉक का एज देना होता है उसके लिए जो इंटरप्ट का सोर्स है वो एक एज है ना कि एक लेवल है लेट्स मूव फॉरवर्ड अच्छा इस ट्यूटोरियल फ़ोर के कोरिस्पोंडिंग जो हमारी हार्डवेयर का हमारा जो हार्डवेयर का ट्यूटोरियल होगा उसमें एक्चुअली हम ये करेंगे कि एक इंटरप्ट बेस्ड स्विच के ज़रिए एल को टॉगल करेंगे या ऑन करेंगे जो भी फिजिबल हुआ यानी यह आप जो बटन देख रहे हैं पी फोर पर आ, ये बटन जो कि पी फोर पर लगा हुआ है इससे इसके थ्रू हम इस एल को ऑन ऑफ़ करेंगे ये एल एक्चुअली तीन एल ई का मिक्सचर है ग्रीन रेड और ब्लू इन तीनों में से किसी को भी हम यूज़ कर सकते हैं तीनों की प्रायोरिटी तीनों की जो है प्रोग्रामिंग डिटेल्स आ, हम देखेंगे नेक्स्ट ने ने ट्यूटोरियल में कि किस तरह से किसको एक्सेस करना है और किसको ऑन करना है इसलिए ट्यूटोरियल में अगरचे हमने एल को टॉगल किया हुआ है इस ट्यूटोरियल में अगेन हम देखेंगे किस तरह से ये काम करना है सो आज का ट्यूटोरियल हम यहीं एंड करते हैं सो थैंक्स अ लॉट